हे गाइस वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लॉग की। और अभी हो रहे हैं रात की क्या, मैं कौन से दुनिया में रहती हूँ भाई। अभी हो रही है दोपहर की 3 बजे हैं और आज का ब्लॉग एक कुकिंग ब्लॉग आज मैं बनाने वाली हूँ। घेवर जो दो तरीके से बनाऊंगी, एक तो बॉटल से बनाऊंगी और एक बनाऊंगी डायरेक्ट चम्मच से डाल के। तो आप लोग डिसाइड करते हैं आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों ही इजी है। बस चम्मच वाले में क्या है, बार बार को ऐसे बैटर में डालना पड़ता है चम्मच को, तो बड़ा थोड़ा गंदी करती है उससे। बाकी दोनों ही सेम है प्रोसेस, तब बनाना सिखाती हूँ। सबसे पहले घेवर के लिए अपन बनाएंगे रबड़ी जो डलती है ना उस पर, तो रबड़ी बना के तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले चला देंगे गैस। ठीक है, ये दूध ज़्यादातर आधा कप दूध है, या आप 1 कप भी ले सकते हो अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है। तो आधा कप दूध ऑलरेडी मैंने इसमें डाल दिया है, इसको थोड़ा गर्म करेंगे। ठीक है, उसके बाद मिल्क पाउडर डालेंगे। तो मैं लेती हूँ ये मदर डेयरी का मिल्क पाउडर जो काफ़ी अच्छा होता है, तो इसके 2 पैकेट डालूंगी, इतना ही मेरा काफ़ी है। आपकी क्वांटिटी ज़्यादा आप ज़्यादा कर देना। तो वैसे तो मैं 2 पैकेट ले रही हूँ, बट आपको एक बार है ना स्पून से ही बता दूँगी कितना चम्मच आएगा। ठीक है, मेरा दूध बिल्कुल बॉयल हो चुका है। तो ये इतना 1 चम्मच 2 चम्मच 3 4 5 ऑलमोस्ट 6 मान लो आप, ऑलमोस्ट 6 चम्मच है ये। अब इसको हिलाएंगे अच्छे तरीके से। इसमें जो लम्स है ना, ये पूरी तरीके से हट जाने चाहिए, लम्स नहीं रहने चाहिए। इसमें थोड़ी सी शुगर और इलायची पाउडर भी डालेंगे, 1 चम्मच शुगर काफी होगी। और ये 2 इलायची, रबड़ी अपनी ऑलमोस्ट तैयार हो गई। आप चाहो तो इसके अंदर केसर वाला दूध थोड़ा सा 1 चम्मच, या फिर मेरे पास केसर नहीं है अभी तो मैं थोड़ा सा कलर डालूंगी, लेमन येलो कलर, इतना सा कलर। वैसे तो बिना कलर के वो थोड़ा सा येलो हो रहा था, पर फिर मैंने डाल दिया। बस घेवर बनाने के लिए सबसे पहले तो बॉटल तैयार करेंगे, तो इसी के अंदर पूरा बटर डालेंगे। इस वाली बॉटल के ढक्कन के अंदर आप या तो निडल लें या फिर कील, कुछ भी लेके बस इसमें यहाँ पे होल बनाना है कुछ भी करके। ये गर्म हो गई, अब ये जो होल है इस पर ढंग से आराम से बड़ा होल हो जाएगा। तो पहले लेंगे इसमें घी 1 चम्मच 2 चम्मच। तो वैसे तो मैं अभी कुकिंग व्लॉग बना रही थी, पर बीच में मेरी दीदी आ गई सरप्राइज देने, मतलब किसी को कॉल ही नहीं किया, अचानक ही आ गई। तो ये है मेरी बड़ी दी, इनका बेटा तो बिल्कुल किट्टू कॉफी लगता है। इतना सरप्राइज दिया है, मतलब हमको तो लगा था नहीं आएंगी शायद, क्या पता बच्चों के स्टडीज के चक्कर में है ना, क्या पता नहीं आए, पर मुझे आ गई। तो मेरे बराबर ही लग गया, ये थोड़ी टाइम पहले तो जब मैंने देखा तब इतना बड़ा नहीं था, अचानक बड़ा आ गया है। अब मैं जल्दी से रेसिपी बनाती हूँ। अब इसमें मैंने डाला 2 चम्मच घी, इतना इसको बर्फ से ऐसे करेंगे। ये हो गई, ठीक है। अब डालेंगे इसमें मैदा, का टेक्सचर ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब इसमें डालेंगे ठंडा पानी, एकदम ठंडा पानी, और इसको मस लेंगे। मैं इसको हाथ से मसल रही हूँ, आप चाहो तो चम्मच वगैरह या फिर एक विस्कर होता है उससे मसल लेना, मेरे को हाथ से मसलना ज़्यादा सही लगता है इसलिए मैं हाथ से लगा रही हूँ। Thank you.
ये बोतल में हो गया, देखो सिर्फ कंसिस्टेंसी, ये ऐसे ही निकलेगा ठीक है। अब साइड में घी गरम कर लेते हैं अच्छे तरीके से, ठीक है गरम हो गया है। अब धीरे धीरे डालेंगे, तो हो गया शायद, पहले इसके साइड टो को छुड़ा लो ऐसे करके, घूम रहा है। बस गेवर हो गया तो एक तो बन गया है जो मैंने बोतल से बनाया था, अब बनाऊंगी दूसरा चम्मच से। भगवान में उधर चल गई बात करने, उधर जल गया यहाँ पे, मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्यों गई बात करने उधर, ही सारे के सारे उधर बैठ गए और मैं सब इधर किधर हो गए, सब तुम सब इधर हो ना, मेरा उधर जल गया क्या घेवर। कोई बात नहीं, काली मिठाई भी खाएंगे। तो ये हो रहा है, तब तक मैं बना देती हूँ चाशनी। तो चाशनी के लिए इसमें शुगर डालेंगे और इतना ही पानी डाल के, तो इसमें पानी डालेंगे। अब चढ़ाते हैं इसको, इलायची, बस चलो ये होने वाली है। एक इसमें इतनी खराब है, मतलब पहली बार है जो मेरे से घेवर इतना गंदा बना है, मतलब मेरे इससे पहले बनाया था तो इतना स्मूथ इतना सही बना था, हुआ ही क्या, नजर लगा दी लोगों ने मेरे, बहुत दिन आया मुझे इतना डिस्टर्ब किया, इतना डिस्टर्ब किया कि मेरा पूरा घेवा खराब हो गया, और ये जो अच्छा खासा बन रहा था ना ये जल गया। कोई नहीं, अब जो जो थोड़ा ढंग का बना है इसको तो तैयार करते हैं। अलका दी ने ये सूट पहना, ये मैंने सिला था भाई, मैंने सिला था ये साड़ी से। अलका दीदी को यकीन ही नहीं हो रहा, अलका दीदी यकीन हो रहा कि नहीं हो रहा मैंने सिला था, मेरे को लगा रेडीमेड लाइक। देखो ओ ये बाप रे, यही बाप रे, हां मैंने भी सोच रखा था, वो तो आज पता चला कि साड़ी का है, वो साड़ी खुशबू के लिए सिला था, और फिर भी खुशबू मेरी इज्जत नहीं करती, मेरे को बोलते मैं तो ट्राई करके भी नहीं देखूं, ऐसे करती है खुशबू। दुपट्टा अच्छा सिला इसका, अच्छा लग रहा दुपट्टा भी। चाशनी हो गई है, तो ये चाशनी को इस पे पोर करेंगे और रबड़ी लगाएंगे, बस ये चाशनी इस पे डालेंगे अच्छी तरीके से। अब डालेंगे रबड़ी, जाएगा बट आपको करना क्या है। हाँ। एक तो ये बहने की माँ है, मेरे को तो समझ नहीं आती, पहले मेरे से बोल रही है बात करने से पहले सफाई करी है, जितनी भी गंदी वाड़ा फैलाया है तूने, तो ये जितने भी है ना आपको करना क्या है, एक स्टेप तो करनी है जो मैंने जो भगोनी ली थी ना जिसमें मैं बैटर पोर कर रही थी, तो वो थोड़ी छोटी लेनी है, मतलब उंडी होती है ना गहराई वाली और थोड़ी छोटी, ठीक है जैसे ये मैंने बहुत बड़े ले ली थी इसका, ये था ना ये डायमीटर बहुत ज्यादा था, ये थोड़ा छोटा हो और गहराई वाला हो ताकि वो इजीली बन जाएंगे और इजीली निकल जाएंगे।